देख रहे हैं पीपीडी खबर। कार पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के महानगर आगरा से है। देश में बढ़ाए गए डीजल और पेट्रोल के मूल्यों के विरोध में कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने रिक्शा चलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर आगरा जिला व शहर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से गुरुवार 25 जून को ज्ञापन दिया और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के दो ताज़ा घोटालों ने सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है। ज्ञापन में योगी सरकार द्वारा किए गए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, पशुपालन घोटाला समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने रिक्शा चलाकर जुलूस निकाला और पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि पर आक्रोश व्यक्त किया। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। आगरा से पत्रकार अवधेश यादव की रिपोर्ट। आगरा में कांग्रेस के दम बराबर कर दिए। ऐसा भी कभी आज गरीब भाई आप देख रहे होंगे, पुलिस वाले भी भाई हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इतना दबाव है कि आप हम लोग जितने गरीब हैं वो सब रिक्शे इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग जो सरकार में ये बंद कर दो, पैदल आ जाओ। ये सरकार ये कहती है कि पैदल कीमत नहीं कब करेगी, अब लोगों को रिक्शे में आना पड़ेगा, बैटरी के वाहन चलाने होंगे क्योंकि बढ़ती दी जा रही है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें।